इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बॉलीवुड और राजनीति का हमेशा से संबंध चलता चला आया है। कोई न कोई अपने अभिनय करियर से निकलकर राजनीति में जरूर उतरता है। और अब जो खबर आ रही है वो है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। पता चला है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुणे लोकसभा की उम्मीदवार हो सकती हैं। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस साल जून में माधुरी के घर गए थे और उनसे मुलाकात की थी। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि फिल्म जगत का इतना बड़ा नाम उनकी पार्टी से जुड़े। हालांकि इस बात को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं फिल्मों से राजनीति में गए कुछ अभिनेताओं पर। रजनीकांत, कमल हासन। साउथ के दो सुपरस्टार्स रजनीकांत और कमल हासन ने हाल ही में राजनीति में कदम रखकर तहलका मचा दिया है। गोविंदा, गोविंदा ने भी राजनीति में कदम रखा था लेकिन उनको कुछ भाया नहीं तो वो वापस आ चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। विनोद खन्ना, विनोद खन्ना ने भी राजनीति में कदम रखा था और वो काफी समय तक इसका हिस्सा रहे थे। परेश रावल, परेश रावल इस समय अपनी पार्टी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। राजेश खन्ना, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा था तो हर तरफ उनकी ही चर्चाएं हो गई थीं। जया बच्चन, अभिनेत्री जया बच्चन ने भी राजनीति में आकर सबको काफी ज्यादा चौंका दिया था। किरण खेर, किरण खेर अभी भी बीजेपी से सांसद हैं। उनका राजनीतिक करियर अच्छा रहा है। सुनील दत्त, सुनील दत्त ने जब राजनीति में कदम रखा तो वो काफी बेहतरीन नेता बनकर सामने आए थे। संजय दत्त, एक समय आया था जब संजय दत्त ने राजनीति की तरफ रुख किया था लेकिन फिर वो मुसीबतों में फंस गए थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।